तो देखे आज खिचड़ी रहल है, तो खिचड़ी में छुअल वल जाला, नहा धो के छुअल वल गई लोग, दही चूरा के सेवन करे के रहे, तो दही चूरा तिलकुट गुड़ आलू गोभी की सब्जी लेके बैठ गई, नहीं खई नहीं पिय नहीं। ओकर बाद दोपहर हो गई, दोपहर में साग खाइल जाला बूट के, तो साथी लोग संगे निकल गई, नहीं बूट के साग खाए खातिर बधारी में, बधार में पहुँचनी है। तो ये बधार के नज़ारा इतना सुंदर रहला, हरियर हरियर एकदम, एबरे 2-3 दिन पर सूर्य भगवान दर्शन दे दिले रहा है कि हल्के हल्के रहा है, ठंडा तो बहुत पड़ा था उसमें, हल्का हल्का सूरज भगवान के गर्मी तो नहीं अच्छा लागत रहे। बूट के साग खाए के रहे तो खेत लौकी गई है, खेत में बैठ गई नहीं है जब बूट खाए, बूट के साग खात खात चरा चरा मन में विचार है कि हमारे संगे पंडित जी आई बनी, पंडित जी पंकज ओझा, तनि यहाँ से जानल जाओ कि काहे आज साग के सेवन कइल जाला, वो बूट के साग, बूट माने चना, चना के साग चारी के चारी सेवन कइल जाला। तो अच्छा बेरे काहे साग खइल जाला बाबा, पहुंचा था नहीं, पहुंच के वहां से ही जाने के कोशिश कइल जाई कि आज काहे बूट के साग खइल जाला, संगे संगे दही चूरा के भी सेवन काहे कइल जाला, खिचड़ी काहे कइल जाला। तो यहाँ के है हमने के पंडित जी पंकज ओझा, ताकत वैज्ञानिक कारण जान देनी ना, दही चूरा गढ़ुअन चीज खइला के बाद पचौन खदी खाई जाला। अरे अभी तो उहे बतिए होत रहल है, उहे बतिए शास्त्र में ई वर्णन बा कि मकर के जब सूर्य होले, मकर के संक्रांति के दिन, दिन में हमनी की है प्रातः कालीन वो करके उठ करके प्रातः स्नान कइल जाला, ओकरे बाद कुछ दान पुण्य कइल जाला, चिवरा दही से पारण कइल जाला, चिवरा दही के पारण कइला के बाद मध्यान कालीन में दोपहर में जा करके साग साग का पारण किया जाता है, साग को खाया जाता है, बहुत सुंदर। उसके बाद रात्रि में पोंगल मनाने की, पोंगल बना करके पोंगल खाने की विधा हमारे शास्त्रों में है। उत्तर भारत में विशेष करके यह पोंगल का उत्सव तो दक्षिण भारत इत्यादि में विशेष रूप से होता है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक विशेष रूप से होता है तो वह है अपना बिहार, अपने बिहार में होता है भाई। दक्षिण भारत के लोग केवल पोंगल बना करके ही खा लेते हैं, लेकिन हमारे बिहार प्रदेश के लोग आज के दिन तीन तीन चीजों का सेवन करते हैं, सुबह में चूड़ा दही, दोपहर में साग और शाम को पोंगल खिचड़ी, जबरदस्त खिचड़ी बना करके खाते हैं, बहुत सुंदर। और साग को भी ऐसे नहीं खाते हैं, जैसे देखिए ये बालक, दिखाओ बालक, जैसे ये बालक हाथ में मिर्चा, आचार, अजवाइन, ये आचार आम का आचार है, जैसे ये बालक आम का आचार लिया है, तो आम के आचार के साथ साग का खाना अपने आप में दिव्य स्वरूप धारण करता है, बहुत सुंदर, दिव्य स्वाद को दिलाता है, बहुत सुंदर। देखी हई बड़ भाई हई बड़ू भैया, यहाँ के भी साग खाते नहीं, साग के कुछ विशेषता बा, आज के दिन महत्व होला, धार्मिक महत्व बा, यही ले सब बधारी में जुटल बा, खेत में सब साग खाए आइल बा, राजा भी बड़े। जगह मिलल तो है, रील स्टार रीलो बनावे लगल है। सागी योग खेले के बाद घूम फिर लेने के बाद अब घरे के ओर चल दे नहीं जा। देखिए राती खा के भोजन भी होके लगल, राती हो गई कुछ चोखा खिचड़ी एकदम घी वो डाल के पापड़ वोपड़ के संगे लजीज खिचड़ी खैनी है। खिचड़ी खेले के बाद बहरी निकलनी है, ठहरे खेते देखे तनि नंदी महाराज दुआरी पे बैठल बड़े, तो कहने कि इनको के भाई अब खिचड़ी खिया दिए हो, कहीं ऐसे रही हैं घर ले, इनको खाती कटोरा में खिचड़ी लेके आनी है, खिचड़ी पापड़ दोनों एक में मिस के इनके के चलो जा खिया देनी है।